सो वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज संजीत योर होस्ट, आई एम बैक अगेन। आज की रेसिपी में काजू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हो जी, थाली प्लेट तैयार है, जिंजर गार्लिक की बहार है। आजा मेरे मुर्ग तंदूरी, अब तेरे मैरिनेशन का इंतजार है। वाह 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 वाह। ये लेमन जूस है, दिस इज देगी मिर्च। अब शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन करना। अभी हम लोग फर्स्ट मैरिनेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट मैरिनेशन कैसे करते हैं? तंदूरी लाहौरी चिकन की, ये हम तंदूरी चिकन के एक नेक्स्ट स्टेप वाला डिश बना रहे हैं, जो कि है लाहौरी चिकन। लाहौरी चिकन किस लिए फेमस होता है, जो डिफरेंस बनाता है वो है इसमें काजू और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और मगज का सीड्स मिक्स करके बढ़िया सा टेस्टी सा पेस्ट बना के उसका मैरिनेशन में डाला जाता है। और इनके साथ में अमूल की टिन चीज़ भी डाली जाती है। अमूल की चीज इतना ज्यादा जबरदस्त टेस्ट को बढ़ा देती है कि खाने वाला बोलता है बहुत मजा है कि मजा आ गया। तो अभी हम वन बाय वन देखिए, इसके कट भी मैंने ऐसे लगवाए हैं। मैंने लिए हैं थोड़े से थाई के पीस, थोड़े से लेग के पीस, थोड़े से विंग्स के पीस। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालने वाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मेरे पास में एवरेस्ट का है, इसको हम डालते हैं। हमने 1 किलो चिकन ले रहे हैं इसमें। इसके बाद में हम MDH की देगी मिर्च डालने वाले हैं। नहीं, मसाले होते हैं, पाउडर्ड मसाले होते हैं, ये हम करते हैं MDH का यूज़, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि देगी मिर्च का जो मसाला होगा ना, वो अंदर इसके चिकन के अंदर तक मैरिनेशन में चला जाएगा। तो इसको अभी मैं 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद में इसको सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। अभी हमने ये थोड़ा सा देगी मिर्च डाल दिया, दिस इज लेमन जूस, ये पहले ही हमने निकाल के रखा है। इसको हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्लोज टू 1 टेबल स्पून। सरसों का तेल हमने डाला है तो सरसों का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाएगा। फर्स्ट हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, देगी मिर्च, लेमन जूस और उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल, हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। फिर तो मिक्स करना होता है ना इसको, एक एक चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से इसको मसाले अच्छे से लग जाए इसमें। ये फर्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 मैरिनेशन होती हैं इसकी। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो एक ही मैरिनेशन में डायरेक्ट मार देते हैं, उसमें टेस्ट आधा हो जाता है। और नहलाई कर दिया है पेस्ट जो है इसका, फर्स्ट मैरिनेशन का मसाला मैरिनेशन पेस्ट। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और 1 से 2 घंटे बाद में हम इसको उठा सकते हैं। नहीं तो आइडियली हम इसको एक दिन पहले, 24 घंटे की मैरिनेशन होती है टोटल, तो एक दिन पहले ही हमें रखना चाहिए। मतलब एक रात पहले इसको मैरिनेट कर दो फर्स्ट मैरिनेशन, और नेक्स्ट डे सेकंड डे जो होता है मॉर्निंग में उसमें सेकंड मैरिनेशन दे दो, तो बहुत बढ़िया इसके जो मसाला, एक एक मसाला इसके अंदर तक चला जाता है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। कि काजू 4 टुकड़ा हमने लिया है, ये है 4 टुकड़ा काजू, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं उसमें, जो रेस्टोरेंट्स में होटल्स में 4 टुकड़ा काजू यूज़ होता है। ये थोड़ा सा सस्ता भी आता है और ये होता है बस ये टूटा फूटा होता है, बाकी तो सब क्वालिटी सेम ही होती है। ये थोड़ा सा हम काजू इसमें ले रहे हैं, इसको हम दूध में भी इतना सोक कर देते हैं। और जब सेकंड मैरिनेशन करेंगे तो उसके बाद में इसका हम पेस्ट बनाएंगे दूध के साथ में, और फिर उसको उसमें मिक्स करेंगे और उसमें हम चीज़ भी डालेंगे। तो बने रहे फर्स्ट मैरिनेशन के बाद, अब हम मिलते हैं सेकंड मैरिनेशन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल गए, जब मैं सेकंड मैरिनेशन करने को आया तो पता चला भाई हंकर तो हमने ली नहीं, तो अब क्या करें। तो मैं जल्दी से जाके अभी लेके आया हूँ नेस्ले की A+ दही। इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को चाहिए जितनी थिक हो सके उतनी, ये थिक एंड क्रीमी। तो इसको मैं ये लाया हूँ मास्किन का कपड़ा, इसको हलवाई वाला कपड़ा भी बोलते हैं और इसको मास्किन क्लॉथ भी बोलते हैं। तो आप किसी भी मतलब क्लॉथ शॉप पे ही मिल जाता है, बेसिक से बेसिक लोकल शॉप पे। तो मैं जल्दी से जाके लेके आया हूँ ये चीज़ें, प्लस अमूल चीज़ भी लेके आया हूँ। तो जो हमने काजू सोक किए हुए हैं मिल्क में, उनको इनके साथ में ग्राइंड कर देंगे, एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इतने मीन वाले करते हैं कि अभी ये जो दही है इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। भाई दही तो काफ़ी थिक है। अभी इसमें हम कर्ड डाल देते हैं, मेरे को लगा ये थिक है लेकिन इसमें से भी पानी निकल रहा था क्योंकि मैंने थोड़ी देर डाल के चेक किया। तो हम हैंग कर देते हैं अच्छे से, पहले इसको रैप करेंगे इस तरीके से, ये इसको ट्विस्ट करेंगे ताकि इस पे
थोड़ा सा दबाव पड़े और नीचे पानी निकले, देखो अभी निकल रहा है पानी, ये देखो। तो अभी हमने ये यहाँ पे हैंग कर दिया है और नीचे सिंक है, सारा पानी डायरेक्ट सिंक में जाएगा। ये मेरी गलत फहमी थी कि थिक एंड क्रीमी लिखा हुआ है तो ये इतना थिक होगा कि इसमें पानी नहीं होगा। थिक एंड क्रीमी तो है लेकिन उसके बावजूद भी ये मैरिनेशन के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ये मैरिनेशन के लिए क्या है कि आपको जितना बार पानी हो सके इसमें से निकालना पड़ता है, इसीलिए इसको पूरी रात लटकाना पड़ता है। और कल मेरे को लग ही रहा था कि मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ और ये भूल गया था जो रात को लटकाना भूल गया था। तो अभी जो है अभी टाइम हुआ है रात शाम के 4:30 बजे और सुबह हमने फर्स्ट मैरिनेशन कर दिया था। तो ये कुछ मसाले मैं अपने बनाने जा रहा हूँ, जो खड़े मसाले मैंने लिए हैं जिसमें जावित्री है और ये कुछ बे लीव्स हैं, इलायची हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखो इनको ग्रीनरी रस देख के आप समझ सकते हो। ये इमाम दस्ता मैंने लिया है, इसमें मैं इसको कूटूंगा और ये इस तरीके से इसको कूटने में काम आएगा। तो अभी क्या करते हैं, ये सारे मसाले जो है इसमें हम डाल देते हैं। इसको हम एक पहले तो उठा के यहाँ रख लेते हैं और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा भारी है। मैं काम करता हूँ कि मैरिनेशन में जो मसाला मैं डालूंगा तो उनमें ये सब मुझे डालना ही पड़ेगा, किचन किंग और देगी मिर्च। तो मैं इसी में इसमें डायरेक्ट मैं डाल देता हूँ ताकि इसको कूटने में भी इजी हो और ये अच्छे से पिस जाए। खुशबू आ रही रूम में, महंगाई तो वही सीन ही है कि अब सेकंड मैरिनेशन की तैयारी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने बाहर निकाल लिया है चिकन मैरिनेशन, फर्स्ट मैरिनेशन जो की थी हमने, ये ऑलमोस्ट कम से कम नहीं तो 5 घंटे की हो गई है, काफ़ी अच्छी मैरिनेशन हुई है। और इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे इसमें, लेकिन पहले इसका हम सेकंड मैरिनेशन का मसाला बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑयल से। थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे क्योंकि पहले से भी हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है चिकन के अंदर फर्स्ट मैरिनेशन में। तो सरसों के तेल के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च ताकि इसमें कलर अच्छा आ जाए। पैन से इसको थोड़ा सा इसको हम चला देंगे थोड़ा सा। इसके बाद में बारी है जिंजर गार्लिक पेस्ट की, तो इसमें हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर से इसको थोड़ा सा चला देते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे भाई अजवाइन, ये बहुत ही ख़तरनाक फ्लेवर देती है जब मुंह में आती है, तंदूरी चिकन जब खाते हैं या लाहौरी चिकन जब खाएंगे तो इसका गजब का स्वाद होगा। ये पर्दा उठा देते हैं मसाला दानी से और इसमें हम अब डालेंगे ये है जीरा पाउडर, तो जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद में लाल मिर्च थोड़ी सी ले लेते हैं तीखापन के लिए। इसके बाद में थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च। पाउडर धनिया और इसके बाद में मैंने जो मसाला बनाया था ये हमारा मसाला है यहाँ पे, इसको मैं बाहर निकालता हूँ जितना मेरे को चाहिए उतना, और ये हम बाकी अंदर कर देते हैं। पाउडर पाउडर वाला ले लेते हैं, इसका खुशबू अलग ही खुशबू है भाई इसकी जो आ रही है ना। हालांकि इसको फाइन ग्राइंड नहीं किया मैंने, थोड़ा रफ ग्राइंड किया है और इसको मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये हैं चीज़ अमूल चीज़ के क्यूब्स हैं, ऐसी 2 क्यूब्स, ये देखिए ये 2 क्यूब्स हैं, इनको मैं मिक्स करने वाला हूँ। ये जो मिल्क मैंने मिल्क में एक काजू भिगोए थे तो ये काजू देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो काजू मिल्क और इस अमूल चीज़ को हम ग्राइंड करके और फाइन पेस्ट बनाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे, सारा चीज़ें ऐड करके फिर होगी फाइनल सेकंड मैरिनेशन। ये देखो हंकर्ड और इसमें से पानी काफ़ी निकला है और देखो कितनी थिक हो गई, थिक को भी हमने थिक कर दिया है और ज़्यादा। इस हंकर्ड को हम इसमें ऐड करते हैं और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। ये 80% मसाला तो इसका बन ही गया है क्योंकि मसाले वसाले सब हमने इसमें डाल दिए। और अब इसमें हम ये लेमन जूस भी डाल रहे हैं।
तो भाई ये है आर्टिफिशियल कलर, हालांकि यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ये जो कलर है उसमें वो येलोइश, वाइटिश येलोइश है कर्ड की वजह से। तो इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल, मतलब कि थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर में यूज़ करने वाला हूँ। और ये बुश कंपनी का है भाई, जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं उनमें यही कलर इसी कंपनी के कलर्स यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी बेहतर, मतलब अच्छा कलर होता है कंपेरेटिवली जो लोकल बाजार में मिलते हैं उनसे, काफ़ी बेटर इसके रिजल्ट होते हैं। और इसका कलर भी देखना बहुत अच्छा आएगा। इसको मैं डालता हूँ, थोड़ा सा डालना होता है बस ये, और काफ़ी कलर ये पकड़ लेगा। ये इसी में देखना, ये बिल्कुल लाल कर देगा ये अभी। ये जो अब मैरिनेशन का हमने पेस्ट बना रहा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ गया। अगर हम चाहें तो इसमें और भी अच्छा और भी कलर डाल सकते हैं, और लेकिन इसमें तो येलो दिखाई दे रहा है, सामने ऑरेंज रेड है ना, वीडियो में अलग ही कलर थोड़ा आ सा रहा है, अलग कलर है। ये क्या सीन है? चलो कोई नहीं भाई, ये बिल्कुल ही अलग कलर आ रहा है, वीडियो में तो येलोइश येलोइश दिख रहा है, लेकिन जो हम सामने देख रहे हैं ये पूरा हम ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर। कलर बहुत बढ़िया आ गया है। तो आई थिंक अब हम रेडी हैं अपना जो चिकन है उसको डालने के लिए। तो ये देखिए, पहले हम ये लेग और थाई का पीस डालेंगे, उसके बाद में एक और लेग और थाई है, उसके बाद में ये ब्रेस्ट पीस, फिर से ये, और इसका सारा पानी सा जो है वो निकाल लेंगे ताकि ये वाटरी ना हो जाए मैरिनेशन। और ये सारे पीसेस अब हमने डाल दिए, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाना ऐसे है कि जो मसाला है, जो मैरिनेशन का मसाला है, वो अच्छे से अंदर, ये देखो ये पूरा अच्छे से लगाना है। फाइनली अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें वो जादुई चीज़ ऐड करते हैं, और वो है ये काजू का पेस्ट, जिसमें हमने प्रोसेस चीज़ मिलाई है अमूल की। तो ये खुरदुरा सा मैंने थोड़ा सा रखा है, फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। आप इसको अगर घर में बना रहे हैं तो फाइन पेस्ट बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस बार मुझे कुछ नया चाहिए था इसीलिए करके मैंने ये खुरदुरा किया है। और ये सारा का सारा हमने इस इमाम दस्ते में कूटा है, ठीक है। तो ये देखिए, जो गांव के लोग हैं, देसी लोग हैं, उनको पता होगा भाई इमाम दस्ता क्या होता है। तो ये काजू का पेस्ट, इसमें इसी में मैंने काजू का पेस्ट पीसा, इसी में मैंने मसाला बनाया पाउडर मसाला अपना स्पेशल वाला। तो अब इस काजू पेस्ट को भी हम इसमें डाल देंगे। इतना होना चाहिए कि काजू और चीज का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। अब इसको फाइनली मैं इसमें मिला देता हूँ। ये देखिए, कोई भी पीस उठा के देखें, अच्छी तरीके से मसाला लग गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे मसाला चेक करके, और फाइनली इसको हम रेस्ट पे रखने वाले हैं फ्रिज में। अगेन इसको हम 4 से 5 घंटे की मैरिनेशन देते हैं। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 5, तो आई थिंक अभी इसको हम 9:30 से 10 बजे के आसपास में देखेंगे कि कैसा हुआ है। कसूरी मेथी का पैकेट हमने खोला है, थोड़ा सा इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं, एक कट ये मार देते हैं, एक कट ये मार देते हैं, एक कट ये मार देते हैं। ये थाई का पीस है, यहाँ पे ऐसे मार देते हैं कि जब हमें इसको कुक करें तो कुक करने में भी इजी हो। ये देखो मैरिनेट तो ऑलरेडी ये हो गया भाई, और ये देखो गल गया पूरा चिकन। अभी अगर मैरिनेशन अच्छे से हो जाए ना तो कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर मैरिनेशन करना ही एक अपने आप में पॉइंट है। तो भाई ये देखो मसाला अंदर तक घुसेगा अब इनमें। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया था, ये है पीली मिर्च। ये देखिए सेकंड मैरिनेशन में मेरे को डालनी थी, और इसे बोलते हैं पीली मिर्च, येलो मिर्च बोलते हैं भाई। इसको जो है इसके पास में लेके आते हैं, हाथ वाथ सब धो लिए थे देखिए, और इसको कोई बात नहीं, अभी हम पीली मिर्च इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको एक बार और हमें अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये मेरे को रखते रखते मुझे याद आया कि पीली मिर्च खरीदी थी और वो रह गई। तो फाइनली अब इसको मैं फ्रिज में रखने जा रहा हूँ, हो गया ये सेट करके फ्रिज में रख देता हूँ 4-5 घंटे के लिए। कुकिंग करना चाहते हैं ओपन बारबेक्यू में, मेरा सजेशन ये है कि भाई देखो लकड़ी पे पकाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आँच जो है कभी ज़्यादा कभी कम बुझ जाती है। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं इस चीज़ में कि आँच ज़्यादा कम से आपको इशू ना क्रिएट हो, तो या तो आप कोयले डालो, ठीक है, कोयले थोड़ी देर में प्रॉपर सेटल हो जाते हैं और गर्म रहते हैं काफ़ी देर तक, कोयले डालना है, या फिर आप उपले डाल सकते हैं, जो गाय के गोबर होते हैं उससे उपले बनते हैं गाय भैंस के, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सीख मैं निकाल के देख रहा हूँ, टच करके देखा है मैंने, मेरे को लग रहा है कुक तो हो गया है, क्योंकि मैरिनेशन इसका अच्छा हो गया,
ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है भाई, और ये जो हल्का हल्का जल जाता है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आता है भाई। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी कि मैं क्या बताऊँ बस। तो अब जल्दी से इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। अभी इसमें मैं हवा लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा देर बाहर निकाल के, और फिर से थोड़ी देर में इसको वापस से डाल दूँगा और फिर ये रेडी हो जाएगी। फाइनल डिश जो निकल के आई है वो कुछ इस तरीके से है। तो मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा बटर मैंने इसमें डाला है। बाकी अभी इसको मैं अच्छे से मैंने चेक किया है, बहुत गजब का टेस्ट आ रहा है यार, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बढ़िया कुक हो गया ना। अब दो पीस भी रख देता हूँ इसमें साइड में, ये भी पकते रहेंगे, एक पनीर टिक्का भी बन जाएगा साथ के साथ ना, तो इसको साइड में ही लगा देंगे कहीं। और ये पनीर टिक्का पक रहे हैं भाई, बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं। तो वही इस पर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल किया गया है ऑलरेडी, तो बस बहुत हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा नींबू, बस नींबू आ गया, और अब इसको हम खाएंगे भाई, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये पीस। ये देखिए कितना गजब का बना है ना ये पीस, और आज तो मौज आ गई मौज। ये देखिए देख के जीभ में ना पानी आ जाएगा आपके, मैं बोल रहा हूँ देख, इसको देखते ही ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा, लार टपक जाएगी भी, इसकी गारंटी है। बहुत ही अमेजिंग कुक हुआ है भाई, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्यार से टूट रहा है, और एक एक चीज इतनी अमेजिंग दिख रही है। तो इस चीज को देखिए, ये देखिए कितना प्यार से कुक हुआ है, मतलब ना